जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स का जो सेकंड फेज है, जिसके अंदर आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन रहेगा। उसमें मैंने कई सारे टॉपिक्स बताए हैं जो कि आपको अभी से तैयार करना है। फर्स्ट फेज जो है उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द अब आने वाला है, यानी कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच आपका एग्जाम का जो फर्स्ट फेज था उसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। बाकी अगर इन्होंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया तो हो सकता है दिवाली बाद आए, अदरवाइज़ तो जो एक ड्यूरेशन होता है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस वो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ और टॉपिक्स पर। जो भी स्टूडेंट्स आज का सेशन देख रहे हैं उन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक कीजिए ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैंने 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके ग्रुप डिस्कशन में यानी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़िए और उनके बारे में नॉलेज लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज एक और टॉपिक यानी कि 6 नंबर टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू स्मोकिंग। यानी एक टॉपिक है स्मोकिंग, ये जो टॉपिक है ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें, बच्चे जो है पहली लाइन बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ऐसा करके वो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना आपको, जब भी आप कोई ग्रुप डिस्कशन में या जब भी आप इंटरव्यू के अंदर कोई टॉपिक बोलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस टॉपिक को बताना है, समझाना क्या है। तो स्मोकिंग क्या होता है, टू इनहेल स्मोक ऑफ, यानी कि जो धुआं होता है उसका सेवन करना बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनके सब्सटेंस को बर्न करके उसके धुएं को जो हम इनहेल करते हैं उसे स्मोकिंग कहते हैं। स्मोकिंग इज अ प्रैक्टिस इज नोन एज टू इनहेल स्मोक ऑफ मेनी प्लांट सब्सटेंस। ओके, इन दिस प्रोसेस वी यूज मैनी टाइप्स ऑफ पाइप्स, हम पाइप्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपने जो देखा हो जैसे सिगरेट होती है ना, सिगरेट एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बर्न करते हैं और उसका हम क्या है धुएं को क्या करते हैं स्मोक करते हैं यानी कि पीते हैं, उसे हम कहते हैं स्मोकिंग। अब आप बोल सकते हैं दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरीवन नोज, सब कोई जानता है कि स्मोकिंग इंजूरियस है लेकिन फिर भी लोग इसे करते हैं। व्हाट इज द रीज़न, क्यों ऐसा करते हैं? इसका रीज़न है, आप बहुत सारे टाइप से समझ सकते हैं। देखिए पहला तो ये है, दिस इज़ द ट्रेंड, एंड सेकेंड थिंग इज बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि स्मोक करने से उनकी जो एंजाइटी है, एंगर है, या आप कह सकते हो टेंशन है, वो क्या हो जाती है, फेड अप हो जाती है या कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई दे स्मोक। और आपने बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के बाहर भी बहुत सारे जो है जगह देखा हो अलग से स्मोक जोन बनाया जाता है ना। तो स्मोकिंग जो है वो एक तरीके से टेंशन को रिलीज, टेंशन को कम करने का एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीका लोगों ने अपना लीजिए। और सेकंड थिंग इज बहुत सारे लोग स्मोकिंग को जो है एक स्टाइल, एक फैशन, एक ट्रेंड के रूप में भी मानते हैं। और सम पीपल थिंक दैट दिस इज़ द सिंबल ऑफ रिचनेस, जो पी रहे हैं, जैसे खास तौर से इसमें आता है सिगरेट का, तो सिगरेट जो पीते हैं तो वो कई लोग इसमें स्टाइल, कई लोग फैशन, कई लोग कह सकते हैं ट्रेंड। एंड देयर इज ऑल्सो थर्ड रीज़न ऑफ पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर 4 दोस्त हैं उनमें से 2 जो है वो स्मोक नहीं करते, 2 करते हैं, तो वो पीयर प्रेशर की वजह से भी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का कारण है। और आप फोर्थ रीज़न भी कह सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू डिवोशन, आप कई लोग इसे निष्ठा, धर्म से रिलेट भी कर देते हैं कि जैसे एट दिस टाइम मैनी पीपल थिंक दैट दे आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के जो है वो क्या मानते हैं कि भाई हम बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए क्या करते हैं वो चिलम पीते हैं ना, क्योंकि भगवान जो थे वो भी चिलम पीते थे, ऐसा करके वो इसे धर्म से भी जो जोड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से पहले समझा सकते हैं। और बहुत सारे टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, है ना। इंडियन ट्रेडिशन के अंदर अगर हम देखें, इंडिया के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है वो होती है बीड़ी,
बीड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा विलेजेस जो है उनमें यूज़ की जाती है, और शहरों के अंदर सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे तो सिगरेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, जैसे मैरिजुआना जो है ना, बीट है, ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अभी करंट के अंदर। उसके बाद आप बता सकते हैं, एज वी नो दैट स्मोकिंग इज नॉट ओनली इंजूरियस टू दैट पर्सन हु इज इनहेलिंग द स्मोक ऑफ दीज सब्सटेंसेज, बट ऑल्सो अदर पीपल हु आर नियरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, जो कि आसपास के जो लोग हैं जो पीने वाले के बगल में खड़े हैं उनके लिए भी क्या है, हार्मफुल होता है। एज वी नो दैट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अ प्रेगनेंट लेडी, प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है इसका स्मोक जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके जो बेबी होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो उसके उसको भी इम्पैक्ट डालता है, उसका जो धुआं होता है लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर लंग्स। लंग्स के अंदर आपने देखा उनके खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर एक व्यक्ति मतलब कई लोग जो होते हैं 20 अप्रॉक्सीमेटली सिगरेट और बीड़ी का सेवन करते हैं एक दिन में यूज़ करते हैं, मतलब दैट इज़ ऑल्सो हार्म। तो ये सारा जो है आपको स्मोकिंग के अंदर बोलना है जो मैंने आपको बताया, और आप इसको पढ़िए और इसको समझिए कि किस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। पढ़िए ज़रूर इस टॉपिक को, और इसके जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बकायदा इसको लिख कर भी नोट्स के रूप में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है एक और टॉपिक जिस पे हम बात करते हैं, यूज ऑफ मोबाइल फोन। ये भी टॉपिक पूछा गया है और बहुत ही नॉर्मल सा आप जर्नल कह सकते हो, इसके बारे में सबको पता है क्योंकि आज के समय जो है जिसमें सबके पास मोबाइल है, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो थ्रू योर मोबाइल फ़ोन, तो आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो बात करें मोबाइल फ़ोन का, अगर मैं बात करूँ टॉपिक बहुत ही कॉमन सा है जिसके ऊपर आपको बोलना है। अब कई बच्चे जो हैं टॉपिक तैयार नहीं करेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करें व्हाट इज़ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन मीन्स आप कह सकते हो कि मोबाइल फ़ोन क्या है। मोबाइल फ़ोन एक एसेसरीज है हमारे लिए, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है हमारे लिए जो कि मूवेबल है, जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फर्स्ट मोबाइल फोन वॉज इन्वेंटेड इन 1973 बाय द कंपनी ऑफ मोटरोला। मोटरोला कंपनी के द्वारा पहला मोबाइल फोन जो है इन्वेंट किया गया था, और जो इन्वेंटर थे वो थे मार्टिन कूपर। आप थोड़ा सा इस तरीके से बताएं, एट दिस टाइम दिस कंपनी इज नॉट वेल नोन, बट एट दिस टाइम द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ मोबाइल फोन इज सैमसंग एंड आईफोन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक तो आपको सिंपल सी बात बता दी, अब जो हमारा टॉपिक है यूज़ क्या है मोबाइल फ़ोन का। एज वी नो दैट देर आर नंबर्स यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। फर्स्ट थिंग इज वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, वी कैन गेट नॉलेज थ्रू आर मोबाइल फ़ोन। एंड सेकेंड थिंग इज वी कैन कम्युनिकेट एनी पर्सन एनी पीपल विथ आर मोबाइल फ़ोन। If we are working and we want to do any work, when we can do it to stay at home, हम कर सकते हैं अपना काम घर पर बैठ के ही मोबाइल फ़ोन के यूज़ से। तो आप इस तरीके से मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे यूज़ समझा सकते हो। मैंने सबसे पहले तो देखा कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, दिस इज़ अ कम्युनिकेटिंग डिवाइस, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ हम इससे नॉलेज ले सकते हैं, हम हमारे बहुत सारे काम जो है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड अगर हमें आप देखिएगा, आजकल जो है टीवी का भी यूज़ बहुत कम कर रहे हैं लोग, क्योंकि इतना समय नहीं है लोगों के पास कि टीवी पे घंटों बैठे रहें। वो तो जहाँ पर भी खड़े हैं वहीं पर भी वो न्यूज़ वगैरह अगर उनको देखनी है सुननी है तो वो थ्रू मोबाइल फ़ोन दे कैन सी दे कैन वॉच एंड दे कैन लिसन, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं फिफ्थ जो है हमारे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। पांचवा पॉइंट आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, वी कैन यूज़ आर मोबाइल फ़ोन एज अ मनी, पैसे के रूप में भी हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं।
टू ट्रांसफर और टू रिसीव मनी थ्रू आर मोबाइल थ्रू आर एप्स ऑफ पर्टिकुलर बैंक. हम बैंक का जो ऐप होता है उसके थ्रू अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, हम मनी को रिसीव भी कर सकते हैं और मनी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं. एंड वी कैन बाय सिक्स थिंग, वी कैन बाय एनी थिंग. हम कोई भी चीज़ कहीं से भी खरीद सकते हैं. हमें किसी भी यानी समझ लीजिए वॉलेट या मनी को रखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक तरीके से कैशलेस इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन. और मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी आप देखिएगा इसका जो यूज़र्स हैं, मोबाइल फ़ोन के जो यूज़र्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं. हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है ना. तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के यूज़. मैंने कुछ 5 to 6 आपको पॉइंट्स समझाए. अगर आप 1 मिनट में ये सारा एक्सप्लेन कर पाते हैं तो दैट इज़ सफिशियंट आपके लिए. बस आपको ध्यान माइंड आपका क्लिक करना चाहिए उस समय पर. और सबसे पहले माइंड को क्लिक करने के लिए आपको मैंने पहले ही बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना पड़ेगा, यानी कि ग्रेट अप डिफेंस एकेडमी के आपको ऑफलाइन सेंटर पर आना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि हम पॉइंट तो मुझे याद है, अगर मैं उन पॉइंट्स को बोल नहीं पा रहा हूँ तो उससे काम नहीं बनेगा. और पहले ही मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको दौड़ के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा. और यही चीज़ कि आप बैठे बैठे अगर ये सोचते रहे 1600 मीटर की दौड़ है, 7 मिनट में पूरी करनी है, इतने आपको 10 पुशअप लगाने हैं, ये अगर माइंड में करते रहे तो इससे कुछ नहीं होगा. आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है. और अगर सेकंड फेज एयरफोर्स का आपको क्लियर करना है देन यू हैव टू ज्वाइन ग्रेड अप डिफेंस अकेडमी फॉर ऑफलाइन क्लासेस. आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है. और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ आपके रिजल्ट आने से पहले, वो इसलिए कि आप लोग घर पर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़े और जो मैं जिस अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ ये आपको माइंड में पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर और आई होप जल्दी आपका रिजल्ट आए और जल्दी हम आपसे मिलते हैं. जय हिंद एवरीवन.